हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो देखिए, क्लास 6 RBSC की कंप्लीट रिवीजन मैंने आपको करवा दी। उसके बाद आज हम करने वाले हैं क्लास 7 की कंप्लीट रिवीजन एक ही वीडियो में। तो आपकी RBSC की बुक में चैप्टर 15 से लेकर चैप्टर 21 तक हिस्ट्री के चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक है? तो चलिए फटाफट से बिना समय को गवाए हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर 15, बृहत्तर भारत। तो ये बृहत्तर भारत का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है यूनिट आपने देखी है सभी, वहाँ बृहत्तर भारत का टॉपिक आपके दिया हुआ है। चलिए चैप्टर 15 बृहत्तर भारत का क्वेश्चन 1 देखें। अग्नि पुराण के अनुसार दीपांतर भारत का आविर्भाव किससे हुआ है? अग्नि पुराण के अनुसार दीपांतर भारत का आविर्भाव किससे हुआ है? तो इसका आंसर है जम्बू द्वीप। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 2। भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के बड़े केंद्र कौन कौन से थे? भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के बड़े केंद्र कौन कौन से थे? तो नालंदा बिहार में, तक्षशिला पाकिस्तान में, गया बिहार में, ठीक है, और विक्रमशिला। तो ये सभी विश्वविद्यालय शिक्षा के बड़े केंद्र थे। नेक्स्ट देखें इंडोनेशिया का अर्थ क्या है? इंडोनेशिया का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है भारतीय द्वीप। भारत से विदेशों में कौन कौन सी वस्तुएं निर्यात की जाती थी? बृहत्तर भारत के समय भारत से विदेशों में कौन कौन सी वस्तुएं निर्यात की जाती थी? मलमल, छीट, रेशम और जरी की बनी वस्तुएं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 5। सम्राट हर्ष के काल तक कौन कौन से विदेशी यात्री भारत आए थे? सम्राट हर्ष के काल तक कौन कौन से विदेशी यात्री भारत आए थे? तो फायान, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था, वेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, और इसके बाद आया इत्सिंग। तो ये क्रम से याद रखें, फायान पहले आया, फिर वेनसांग, और उसके बाद इत्सिंग। विदेशों में पाए जाने वाले संस्कृत भाषा में लिखे भारतीय अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सी शताब्दी का है? विदेशों में पाए जाने वाले संस्कृत भाषा में लिखे भारतीय अभिलेखों में से सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सी शताब्दी का है? तो वह ईसा की दूसरी और तीसरी सदी का है। यशोवर्मन के कुल कितने अभिलेख हैं और यशोवर्मन के अभिलेख में क्रमशः छंदों की संख्या कितनी है? यशोवर्मन के कुल कितने अभिलेख हैं और यशोवर्मन के अभिलेखों में क्रमशः छंदों की संख्या कितनी है? तो 4 अभिलेख हैं यशोवर्मन के, याद रखें, और इसमें छंद जो है 50, 75, 93 और 108 है, यानी कुल मिलाकर 326 छंद हैं। राजा यशोवर्मन ने कितने आश्रम स्थापित किए थे? राजा यशोवर्मन ने कितने आश्रम स्थापित किए थे? तो 100 आश्रम स्थापित किए थे। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम फटाफट से रिवीजन करेंगे, पहले भी हम कर चुके हैं इन्हें। क्वेश्चन 9 है, राजेंद्र वर्मन के अभिलेख में छंदों की संख्या कितनी है? राजेंद्र वर्मन के अभिलेख में छंदों की संख्या कितनी है? तो इनके 2 अभिलेख हैं, क्रमशः 218 और 268 छंद। हिंद चीन के अधिकांश भागों में संस्कृत से निकली कौन सी भाषा काम में आती है? हिंद चीन के अधिकांश भागों में संस्कृत से निकली कौन सी भाषा काम में आती है? तो वह है पाली भाषा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 11। 693 ईस्वी में चालुक्य राज्यसभा में नियुक्त चीनी राजदूत के साथ कौन सा विद्वान नालंदा से चीन गया था? तो ऐसा कौन सा विद्वान था जो कि नालंदा विश्वविद्यालय से जो है कहाँ गया, चीन गया था। तो चालुक्य राज्यसभा में नियुक्त चीनी राजदूत के साथ बोधि रुचि जो विद्वान था नालंदा से चीन गया, और उसने जो बौद्ध ग्रंथ थे उनका अनुवाद चीनी भाषा में किया। बोधि रुचि नामक विद्वान ने कितने ग्रंथों का अनुवाद संस्कृत भाषा से चीनी भाषा में किया? तो यह 53 ग्रंथों का अनुवाद करता है संस्कृत भाषा से चीनी भाषा में। नेपाल तथा उद्यान से कौन कौन से विद्वान तिब्बत में तिब्बती लाम धर्म की नींव रखने गए? तो याद रखें कि नेपाल से संति रक्षित गए और उद्यान से पद्म संभव गए। ये ऐसे विद्वान थे जिन्होंने तिब्बत में तिब्बती लाम धर्म की नींव रखी, नेपाल से शांति रक्षित और उद्यान से पद्म संभव। वर्मा, जिसका आधुनिक नाम क्या है, म्यांमार, और श्याम का आधुनिक नाम है थाईलैंड, इसमें किस धर्म की प्रधानता थी? तो इसमें बौद्ध धर्म की प्रधानता थी।
जहां बौद्ध धर्म प्रधान था वहां कौन से धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां पाई गईं? जहां बौद्ध धर्म प्रधान था वहां कौन से धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां पाई गईं? तो वहां हिंदू देवी देवता की मूर्तियां पाई गईं। बौद्ध धर्म में कौन से भगवान की पूजा होती थी? बौद्ध धर्म में कौन से भगवान की पूजा होती थी? तो यहाँ त्रिमूर्ति की पूजा होती थी। त्रिमूर्ति में आते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। बौद्ध धर्म में त्रिमूर्ति की पूजा की जाती थी। भटार गुरु क्यों प्रसिद्ध हैं? भटार गुरु क्यों प्रसिद्ध हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भटार गुरु जावा की लोकप्रिय मूर्ति है, उसके वजह से ये प्रसिद्ध हैं। भटार गुरु किसका प्रतीक माना जाता है? भटार गुरु किसका प्रतीक माना जाता है? तो जावा की प्रसिद्ध मूर्ति है और ये अगस्त्य ऋषि जो है उनका प्रतीक माना जाता है। भटार गुरु अगस्त्य ऋषि का प्रतीक माना जाता है। जावा की लोकप्रिय मूर्ति देखकर क्या अनुमान लगाया जाता है? तो जावा की लोकप्रिय मूर्ति देखकर अनुमान लगाया जाता है कि शायद हिंद एशिया के कोई मूल देवता इसमें मिल गए होंगे। अनेक विद्वान कंबोज यानी कंबोडिया जिसका नाम था फूनान तो यहाँ जाते थे और वहां से सम्मान प्राप्त करते थे, यह किस अभिलेख से प्राप्त होता है? अनेक विद्वान जो है कंबोडिया जाते थे और वहां सम्मान प्राप्त करते थे, यह हमें कंबोज अभिलेख से प्राप्त होता है। बृहत्तर भारत के निर्माण में एक बहुत बड़ा कदम किसने उठाया? बृहत्तर भारत के निर्माण में एक बहुत बड़ा कदम उठाया अशोक सम्राट ने। अशोक ने कौन सी बौद्ध संगति समागम उपाय बुलाई थी? अशोक ने कौन सी बौद्ध संगति बुलाई थी? तो देखिए चार बौद्ध संगति हुई थी जिसमें तीसरी बौद्ध संगति किसने बुलाई थी? अशोक ने बुलाई थी। जावा में नाटक का लोकप्रिय रूप कौन सा था? जावा में नाटक का लोकप्रिय रूप था छाया नाटक। वयंग के कथानक मुख्यतः लिए गए हैं, वयंग के कथानक मुख्यतः लिए गए हैं महाभारत और रामायण ग्रंथों से। नेक्स्ट देखें, जावा के समाज का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या था? जावा के समाज का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या था? तो भारत की तरह ही यहाँ गेहूं और चावल खाए जाते थे। फिर देखें, जावा का सबसे महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प क्या है? जावा का सबसे महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प क्या है? तो वह है बोरोबुदुर मंदिर। जावा में ही देखिए भटार गुरु, बोरोबुदुर मंदिर, ये क्या है? महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प है। नेक्स्ट देखें 27 क्वेश्चन, बोरोबुदुर मंदिर कौन सी ईस्वी में लाया गया और यह किसके संरक्षण में बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बोरोबुदुर मंदिर जो कि कहाँ का है? जावा का, और यह किसके संरक्षण में बना था? तो ये 750 से 850 ईस्वी शैलेंद्र के संरक्षण में बना था। नेक्स्ट देखें, बोरोबुदुर मंदिर में कितनी मंजिल हैं? बोरोबुदुर मंदिर में कितनी मंजिल हैं? तो इस ये जो है 9 मंजिला है, याद रखें बोरोबुदुर मंदिर कितना मंजिला है? 9 मंजिला है। 29 क्वेश्चन, बोरोबुदुर मंदिर में बनी मूर्तियों की कितनी श्रृंखलाएं हैं? बोरोबुदुर मंदिर कहाँ का है? जावा का है, और इसमें बनी मूर्तियों की कितनी श्रृंखलाएं हैं? तो इसमें 11 श्रृंखलाएं हैं। लारो जंगरंग मंदिर में कुल कितने मंदिर हैं और वहाँ किसकी मूर्ति है? लारो जंगरंग मंदिर में कितने मंदिर हैं और वहाँ किसकी मूर्ति है? तो यहाँ पर 8 मंदिर हैं और यहाँ भगवान शिव की मूर्ति है। याद रखें लारो जंगरंग मंदिर भगवान शिव की मूर्ति है, यहाँ पर कितने मंदिर हैं? 8 मंदिर हैं। लारो जंगरंग मंदिर के उत्तर और दक्षिण के मंदिरों में किसकी मूर्ति प्रतिष्ठित है? तो यहाँ 8 मंदिर हैं जिसमें उत्तर में भगवान विष्णु और दक्षिण में भगवान ब्रह्मा की मूर्ति प्रतिष्ठित है। 32 क्वेश्चन देखें, कंबोज में कौन से स्थान के आरंभिक वास्तुशिल्प में कुछ मंदिर हैं जो भारतीय मंदिर से मिलते जुलते हैं? तो बिल्कुल भारतीय मंदिर जैसा है ये अंकोर वाट का मंदिर जो कि विष्णु मंदिर है। कहाँ है? कंबोज या कंबोडिया में। फिर देखें, मंदिर के मध्य और किनारे के शिखर में कौन सी शैली है? कंबोज में जो मंदिर है कौन सा? अंकोर वाट का मंदिर। तो इसके मध्य और किनारे के शिखर में जो शैली है वह है उत्तर भारतीय शैली। तो अभी हम जो है रिवीजन कर रहे हैं, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो ये मंदिर जो है कंबोज या कंबोडिया में है और विष्णु मंदिर है यह। अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है और किस शैली में बना हुआ है? अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है और किस शैली में बना हुआ है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है और उत्तर भारतीय शैली में बना हुआ है। वर्मा का सर्वोत्तम मंदिर कौन सा है? वर्मा का सर्वोत्तम मंदिर कौन सा है? तो वर्मा का जो नाम है अब
क्या है, म्यांमार है, और इसका सर्वोत्तम मंदिर जो है पेगन का आनंद मंदिर है। कौन सा है? पेगन का आनंद मंदिर। क्वेश्चन 37 है, आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह वर्मा में स्थित है। 38 क्वेश्चन है, आनंद मंदिर की मूर्तियों पर किसके जीवन की कथा अंकित है? आनंद मंदिर की मूर्तियों पर किसके जीवन की कथा अंकित है? तो बुद्ध के जीवन की कथा अंकित है। चंपा में कुल कितने अभिलेख मिले हैं? चंपा में कुल कितने अभिलेख मिले हैं? तो यहाँ 100 से अधिक अभिलेख मिले हैं। उसके बाद देखिए, कंबोज में अंकोरवाट का मंदिर जो विष्णु मंदिर है, किसने बनवाया था? सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाया था। तो अब देखिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। 16 है, हर्षकालीन व बाद का भारत। तो क्वेश्चन 1 है, थानेश्वर में नए राजवंश की स्थापना किसने की? थानेश्वर में नए राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो प्रभाकवर्धन ने की थी। पुष्यभूति वंश का प्रभाकवर्धन ने थानेश्वर में जो है स्थापना की। हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक कब बना था? हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक 606 ईस्वी में बना था। तो देखिए, यहीं से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। अपना राज्य तथा प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए सबसे अधिक सैनिक अभियान किसने चलाए? अपना राज्य और प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए सबसे अधिक सैनिक अभियान जो है वो चलाता है राजा हर्ष। क्वेश्चन 4 है, राजा हर्ष के प्रमुख सैनिक अभियानों में कौन कौन से युद्ध शामिल हैं? राजा हर्ष के प्रमुख सैनिक अभियानों में कौन कौन से युद्ध शामिल हैं? तो बंगाल का युद्ध, चालुक्यों का युद्ध और बल्लवी का युद्ध जो है वह शामिल है। क्वेश्चन 5, राजा हर्ष प्रारंभ में किसका उपासक था और बाद में किसका उपासक बना? राजा हर्ष प्रारंभ में सूर्य का उपासक था और बाद में बौद्ध धर्म को इसने अपनाया था। राजा हर्ष प्रारंभ में सूर्य का उपासक था और बाद में किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्वेश्चन 6 है, राजा हर्ष ने एक विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन किया, वो धर्म सम्मेलन उसने कहाँ किया था? तो कन्नौज में किया था। कन्नौज को इसने राजधानी बनाया। राजा हर्ष ने एक विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन कन्नौज में किया था। कन्नौज में हुए सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इस कन्नौज में हुए सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया चीनी यात्री हुए इंसान को। तो याद रखें, हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री हुए इंसान आया था, जो कि कन्नौज में तो जो धर्म सम्मेलन हुआ उसका अध्यक्ष जो है राजा हर्ष ने इसे बनाया। विशाल धर्म सम्मेलन कितने दिन तक चला और इसमें किसने भाग लिया था? विशाल धर्म सम्मेलन कितने दिन तक चला था? तो यह 23 दिन तक चला था। इसमें चीनी यात्री, बौद्ध भिक्षु और राजा सभी ने इसमें भाग लिया था। राजा हर्ष सभा का आयोजन कहाँ करता था और कितने वर्षों के अंतराल में करता था? तो राजा हर्ष सभा का आयोजन जो है प्रयाग में हर 5वें वर्ष करता था। राजा हर्ष ने छठी सभा का आयोजन कब किया? राजा हर्ष ने छठी सभा का आयोजन कब किया? तो 643 ईस्वी में छठी सभा का आयोजन किया था। अगला देखिए, मोक्ष परिषद क्या है? मोक्ष परिषद क्या है? तो राजा हर्ष दानवीर व्यक्ति था। वह अपने स्वयं के वस्त्र जो है दान कर देता था और अपनी बहन से कपड़े मांगकर बदन ढकता था। यानी मोक्ष परिषद क्या होता है? मोक्ष परिषद जिसमें व्यक्ति जो है खुद के कपड़े जो है नहीं पहनता है, बल्कि दूसरों के कपड़े जो है वो मांगकर पहनता है और खुद के कपड़ों को दान कर देता है। हर्षकाल में मिले सोने के सिक्कों पर मुद्रा लेखन क्या है? हर्षकाल में मिले सोने के सिक्कों पर मुद्रा लेखन है हर्षदेव। उस पर क्या लिखा हुआ है? सोने के सिक्कों पर हर्षदेव लिखा हुआ है। हर्षकाल में मिले सोने के सिक्कों पर किसका चित्र अंकित है? तो उस पर हर्षदेव लिखा हुआ है और एक घुड़सवार का चित्र अंकित है। अभिलेखों तथा बाण भट्ट के हर्षचरित में हर्ष को क्या कहा गया है? अभिलेखों और बाण भट्ट का हर्षचरित, इसमें हर्ष को हर्षदेव कहा गया है। फिर देखें क्वेश्चन 15, हर्षचरित के रचयिता कौन थे? हर्षचरित के रचयिता कौन थे? तो हर्षचरित लिखा बाण भट्ट ने। किसकी प्रशंसा में? राजा हर्ष की प्रशंसा में। सोनीपत मोहर के शीर्ष पर किसकी आकृति अंकित है? सोनीपत मोहर के शीर्ष पर किसकी आकृति अंकित है? तो इस पर बैल की आकृति अंकित है। किस अभिलेखों में हर्ष को महाराजा धीराज कहा गया है? किस अभिलेखों में हर्ष को महाराजा धीराज कहा गया है? तो नालंदा मोहर के एक अभिलेख में हर्ष को क्या कहा गया है? महाराजा धीराज कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद के रचनाकार कौन है? रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद के रचनाकार कौन है? तो राजा हर्ष है। गीत गोविंद की रचना किसकी कृति है? गीत गोविंद की रचना किसकी कृति है? तो इसके रचनाकार हैं जयदेव।
अगला देखिए 20 क्वेश्चन है, कालिदास व भास की भांति हर्ष भी एक महाकवि है, तो ये कथन किसका है? कथन से संबंधित लास्ट ईयर जो है एक क्वेश्चन आपके पूछा गया था, तो ये भी याद रखें, कथन किसका है? कालिदास और भास की भांति हर्ष भी एक महाकवि है, तो ये कहते हैं गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। 21 देखिए, कादम्बरी के रचयिता कौन है? कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है बाणभट्ट। किस विद्वान को राजा हर्ष ने संरक्षण प्रदान किया? किस विद्वान को राजा हर्ष ने संरक्षण प्रदान किया था? तो हरिदत्त को संरक्षण प्रदान किया था। तो हर्ष का नाम भी ह से स्टार्ट है और हरिदत्त भी किससे है? ह से। हर्ष ने साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी विभाजित की थी? हर्ष ने साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी विभाजित की थी? तो इसका सही उत्तर है ग्राम। नेक्स्ट देखें 24 क्वेश्चन, हर्ष का साम्राज्य किस किस में विभक्त था? हर्ष का साम्राज्य किस किस में विभक्त था? तो छोटी इकाई जो है इन्होंने ग्राम को बताया था, और इन्होंने साम्राज्य को प्रांत, मुक्तक और विषों में बांटा था। प्रांत, मुक्तक और विषों में। प्रशासन चलाने के लिए कौन कौन से कर का उल्लेख मिलता है? राजा हर्ष के साम्राज्य में प्रशासन चलाने के लिए कौन कौन से करों का उल्लेख मिलता है? तो तीन तरीके के कर थे, भाग, हिरण्य और बलि। भाग यानी जिसे भूमि कर कहा गया, हिरण्य नगद कर और बलि अतिरिक्त कर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। प्रशासन के समय हिरण्य के रूप में कौन सा कर लिया जाता था? तो अभी हमने देखा कि वह था नगद कर, ठीक है। भाग जिसे भूमि कर, हिरण्य नगद कर और बलि अतिरिक्त कर। राजा हर्ष ने कौन से विश्वविद्यालय के लिए अपने 100 से अधिक गांव दान कर दिए थे? राजा हर्ष ने कौन से विश्वविद्यालय के लिए 100 से अधिक गांव दान किए थे? तो वह था बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय। किस काल के सम्राटों ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस काल के सम्राटों ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो वह था गुप्तकालीन कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्तकालीन कुमार गुप्त के द्वारा की गई, याद रखना है। रत्नादाई, रत्नसागर, रत्नरंजक, ये क्या हैं? तो देखिए, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के ये पुस्तकालय थे, रत्नादाई, रत्नसागर और रत्नरंजक। नालंदा विश्वविद्यालय में कम से कम कितने कॉलेज थे? नालंदा विश्वविद्यालय में कम से कम कितने कॉलेज थे? तो ये 8 कॉलेज थे, जिनको 8 विद्या अनुरागियों ने बनवाया था। हर्ष के बाद स्वतंत्र राजवंशों ने कौन सी शताब्दी तक राज किया था? हर्ष के बाद जो स्वतंत्र राजवंश हो गए, तो इन्होंने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक राज किया। सॉरी, दक्षिण के राज्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य कौन सा था? दक्षिण के राज्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य था राष्ट्रकूट। 33 है, राष्ट्रकूट वंशजों ने कौन सी नदी के दक्षिण में कौन से प्रदेश में राज्य स्थापित किया? राष्ट्रकूट वंशजों ने कौन सी नदी के दक्षिण में कौन से प्रदेश में राज्य स्थापित किया? तो इन्होंने नर्मदा नदी महाराष्ट्र के दक्षिण में जो है राष्ट्रकूट राज्य स्थापित किया, ठीक है। राष्ट्रकूट जो राज्य था वो कहाँ पर फैला हुआ था? नर्मदा नदी के दक्षिण में। राष्ट्रकूट वंश के पराक्रमी शासकों के नाम बताइए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक जो है गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम दे दिया जाएगा, और राष्ट्रकूट वंश के पराक्रमी शासक 3 दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा इसमें से कौन सा जो है राष्ट्रकूट शासक नहीं है। कृष्ण द्वितीय, ध्रुव और गोविंद, ये तीनों राष्ट्रकूट वंश के पराक्रमी शासक रहे। चालुक्य वंश का राज्य कौन कौन सी नदियों के बीच फैला हुआ था? चालुक्य वंश का राज्य कौन कौन सी नदियों के बीच फैला हुआ था? तो हमने देखा कि राष्ट्रकूट जो वंश था वह नर्मदा नदी के दक्षिण में था, ठीक है, और नर्मदा नदी के दक्षिण से कृष्णा नदी तक जो है चालुक्य वंश का राज्य फैला हुआ था। चालुक्य वंश का पराक्रमी शासक कौन था? चालुक्य वंश का पराक्रमी शासक था पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्ष को हराया था। चालुक्य ने पुनः अपना राज्य कब स्थापित किया और अपनी राजधानी किसे बनाया? चालुक्यों ने अपना राज्य जो है स्थापित किया और अपनी 1937 में और कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया था। चालुक्यों ने पुनः 937 में अपना राज्य स्थापित किया और कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया था। पल्लव वंश का शासक कौन था? पल्लव वंश का शासक कौन था? तो महेंद्र वर्मन था पल्लव वंश का शासक, और ये पुलकेशिन द्वितीय जो था उससे हारा भी था।
642 ईस्वी में चालुक्यों की राजधानी पर अधिकार किसने किया? 642 ईस्वी में चालुक्यों की जो राजधानी थी इस पर अधिकार किसने किया? महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन ने। ठीक है, चालुक्यों ने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया। कल्याणी कहाँ है? हैदराबाद में है। तो 642 ईस्वी में चालुक्यों की जो राजधानी है इस पर महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिंह वर्मन ने अधिकार किया था। पल्लवों ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? पल्लवों ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? कांची को बनाया था। राष्ट्रकूटों ने कांची को ही विद्या का केंद्र बनाया था। ठीक है, और पल्लवों ने राजधानी किसे बनाया था? कांची को। चोल राज्य कौन सी नदियों के मध्य स्थित था? चोल राज्य कौन सी नदियों के मध्य स्थित था? तो कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में स्थित था चोल राज्य। तो याद करिए, नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा था? राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, और वहां से लेकर कृष्णा कुमारी तक चालुक्य वंश, और कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में चोल राज्य। तो ये चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आपने ध्यान दिया होगा। चोल राज्य का विस्तार कौन से शासक ने कब किया? चोल राज्य का विस्तार विजयालय ने 864 ईस्वी में किया था। यानी संस्थापक कौन है चोल राज्य के? तो वह है विजयालय। आदित्य प्रथम ने, जो चोल शासक विजयालय का पुत्र था, किस राजा को परास्त करके कांची पर अधिकार किया था? तो पल्लवों ने अपनी राजधानी जो है किसको बनाई थी? कांची। तो पल्लव नरेश अपराजित वर्मा को। ठीक है, चोल वंश का प्रतापी शासक कौन था? चोल वंश का प्रतापी शासक कौन था? तो संस्थापक है विजयालय, और राजेंद्र प्रथम जो कि प्रतापी शासक था। किस वंश के शासक ने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी? तो चोल वंश का जो राजेंद्र प्रथम था, उसने राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। साथ में इंपॉर्टेंट लाइन याद रखें, कि सबसे पहले जो है जल सेना इसी ने बनाई थी। पल्लवों ने राज्य को किसमें विभाजित किया था? पल्लवों ने राज्य को किसमें विभाजित किया था? राष्ट्र, कोट्टम और ग्राम में। चोलों ने राज्य को किसमें विभाजित किया था? तो चोलों ने मंडल और नाडू में विभाजित किया था। हर्ष की बात करें तो हर्ष ने अपने साम्राज्य को प्रांत, मुक्तक और विषों में, पल्लवों ने राष्ट्र, कोट्टम और ग्राम में। ठीक है, और चोलों ने मंडल और नाडू में। राष्ट्रकूटों के समय कौन कौन से विश्वविद्यालय थे? राष्ट्रकूटों के समय कौन कौन से विश्वविद्यालय थे? तो बल्लवी और कन्हेरी विश्वविद्यालय थे। राष्ट्रकूटों के समय विद्या का प्रमुख केंद्र बिंदु था। राष्ट्रकूटों के समय विद्या का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या था? तो पल्लवों ने अपनी राजधानी कांची को बनाया था, और इस कांची को विद्या का प्रमुख केंद्र बनाया राष्ट्रकूटों ने। कंबन रामायण कौन सी भाषा में लिखी गई है? इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में गलत भी हो सकता है, संस्कृत हम कर सकते हैं। तो कंबन रामायण जो कि तमिल भाषा में लिखी हुई है। फिर देखें, दक्षिण भारत में बनी मूर्ति किस धातु की होती थी? दक्षिण भारत में बनी मूर्ति किस धातु की होती थी? तो चोल साम्राज्य में देखिए कांसे की मूर्ति बहुत मिली है। पत्थर और कांसे की धातु की जो मूर्ति थी वहां पर मिलती है, मिलती थी। नेक्स्ट देखें, चालुक्य राजाओं ने किसके मंदिर बनवाए? चालुक्य राजाओं ने किसके मंदिर बनवाए थे? तो इन्होंने हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बनवाए थे। आगे देखिए, चालुक्यों द्वारा बनवाए गए मंदिरों में से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? चालुक्यों द्वारा बनवाए गए मंदिरों में से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो यहाँ पर याद रखिए, वातापी का विरूपाक्ष मंदिर। वातापी का विरूपाक्ष मंदिर जो कि चालुक्यों द्वारा बनवाया गया एक प्रसिद्ध मंदिर था। तंजोर के बृहदेश्वर मंदिर में किस भगवान की मूर्ति स्थापित है? तंजोर के बृहदेश्वर मंदिर में किस भगवान की मूर्ति स्थापित है? तो इसमें नटराज की मूर्ति स्थापित है, और यहाँ के मंदिर जो थे वो शिव को समर्पित थे। महाबलीपुरम का मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, होसबल का मंदिर किस काल की देन है? महाबलीपुरम का मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, होसबल का मंदिर जो है किस काल की देन है? तो यह 8वीं से 12वीं शताब्दी के जो है समय की देन है। याद रखें कि एलोरा का कैलाश मंदिर जो है वो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है। तो ये मंदिर है कहाँ? महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम का मंदिर जो है तमिलनाडु में है, और होसबल का मंदिर कर्नाटक में। अजंता के भित्ति चित्र और बृहदेश्वर मंदिर में देव चित्र किसके उदाहरण है? अजंता के भित्ति चित्र, तो अजंता में देखिए पशु पक्षियों के चित्र हैं, महल के चित्र बने हुए हैं। इसके साथ जो महात्मा बुद्ध हैं उनके भी चित्र बने हुए हैं।
तो अजंता के जो भित्ति चित्र हैं और बृहदेश्वर मंदिर जो है, इसमें देव चित्र किसके उदाहरण है? चित्रकला के अनुपम उदाहरण है। क्वेश्चन 57 है, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक क्या था? तो देखिए, राष्ट्रकूट के बारे में मैंने आपको बता दिया, चालुक्यों के बारे में, ठीक है, चोल साम्राज्य के बारे में बता दिया, और अब है गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक। तो देखिए, 600 से 1000 ईस्वी तक का जो समय है, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आपने देखा होगा, तो इस चैप्टर में आपका कवर होता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक था मिहिर भोज, ठीक है, याद रखना है कौन था, मिहिर भोज। और इसी के शासनकाल में जो सुलेमान जो यात्री था, अरब यात्री, वो आया था। मिहिर भोज कौन सी ईस्वी में शासक बना? तो ये 840 ईस्वी में शासक बनता है और सबसे प्रतापी शासक यही था। ग्वालियर प्रशस्ति जो है मिहिर भोज के द्वारा ही बनवाई गई थी। गुर्जर प्रतिहारों को हराकर कन्नौज पर अधिकार किसने किया? गुर्जर प्रतिहारों को हराकर चंद्रदेव ने कन्नौज पर अधिकार किया। नेक्स्ट देखें, गहडवाल वंश का संस्थापक कौन था? गहडवाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था चंद्रदेव। कौन था? चंद्रदेव था, ठीक है। और गहडवाल वंश के एक राजा थे, अभी हम देखेंगे। गहडवाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह था राजा जयचंद। आपको याद आया होगा कि महाराणा प्रताप के जो ससुर थे वो कौन थे? राजा जयचंद थे, संयोगिता के पिता। गहडवाल वंश की सत्ता समाप्त किसने की? गहडवाल वंश की सत्ता किसने समाप्त की? तो जयचंद पर आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने। तो मोहम्मद गौरी ने जो है गहडवाल वंश की सत्ता समाप्त की थी। चौहान वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? यहाँ पर पूछा है प्रथम शासक, तो सबसे शक्तिशाली रहा विग्रहराज चतुर्थ, जिसे विसल देव के नाम से हम जानते हैं। चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन माना जाता है? अब ये हमने देखा था कि सबसे प्रथम शासक जो शक्तिशाली था विग्रहराज चतुर्थ, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो कि चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में किस शासक को पराजित कर साम्राज्य विस्तार किया था? तो 1182 ईस्वी में चंदेल शासक परमवर्ती देव को हराया था। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ और किसकी पराजय हुई? तो इम्पोर्टेंट है, तराइन का पहला युद्ध जो है वह 1191 में मोहम्मद गौरी पराजित होता है इसमें पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, ठीक है। दूसरा युद्ध 1192 में होता है तराइन का, जिसमें पृथ्वीराज की ही पराजय हो जाती है, मोहम्मद गौरी विजयी हो जाता है। गुहिल वंश का प्रथम शासक कौन था? अब हम गुहिल सुशोदिया वंश को पढ़ेंगे। गुहिल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो वह था श्री गुहिल। मेवाड़ के उस शक्तिशाली राजवंश का पराक्रमी शासक कौन था? मेवाड़ के उस शक्तिशाली राजवंश का पराक्रमी शासक था बप्पा रावल, जिसका उपनाम था कालबोज। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। राणा हमीर, राणा मोकल, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप और राणा राज सिंह, ये किस वंश के प्रतापी शासक गिने जाते हैं? तो ये सभी जो है मेवाड़ के जो गुहिल वंश है उसी के शासक गिने जाते हैं, ठीक है। गुहिल वंश और सिसोदिया वंश, तो गुहिल वंश की समाप्ति के बाद ही यही वंश जो है सिसोदिया वंश में परिवर्तित हो गया था। आला और उदल किस शासक के वीर सामंत थे? आला और उदल किस शासक के वीर सामंत थे? तो मैंने आपको बताया कि पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में जो है चंदेल शासक परमवर्ती देव को हराया था, ठीक है। तो इसी के वीर सामंत थे आला और उदल। परमार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? परमार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो वह था राजा भोज। अगला देखें, कौन से वंश के महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके मंदिर को लूटा और तोड़ा था? तो वह कौन था, याद करिए, सोलंकी वंश का महमूद गजनबी, जिसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके इस मंदिर को लूटा था। किस वंश के समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये सभी जो है प्रमुख विश्वविद्यालय रहे हैं। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के धर्मपाल के समय हुई थी। वहीं नालंदा के बारे में मैंने आपको बताया कि गुप्त काल के जो कुमार गुप्त थे उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस राजवंश में दरबारी थे? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस राजवंश में दरबारी थे? तो वह सेन वंश में, सेन वंश के जो है दरबारी थे, ठीक है। तो सेन वंश के जो राजा लक्ष्मण सेन थे, तो इनके दरबार में थे, ठीक है।
शिशुपाल वध के रचयिता कौन है? शिशुपाल वध के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है माघ। नेक्स्ट देखें, किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? तो किरातार्जुनीयम जो है वो भारवी की रचना है। अगला देखिए, राजतरंगिणी की रचना जो है किसने की? राजतरंगिणी की रचना जो है कल्हण ने की थी। चैप्टर 17, राजस्थान व दिल्ली सल्तनत। क्वेश्चन 1 है, तुर्की के आक्रमणकारियों में से सर्वाधिक आक्रमण किसने किए? तुर्की के आक्रमणकारियों में से सर्वाधिक आक्रमण किसने किए? तो महमूद गजनबी ने किए 17 बार आक्रमण। महमूद गजनबी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आक्रमण कब किया? महमूद गजनबी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आक्रमण कब किया? तो 1025 ईस्वी में। तो तुर्की साम्राज्य का संस्थापक कौन है? महमूद गजनबी। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का बीजारोपण किसने किया? भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का बीजारोपण किसने किया? तो उसने किया मोहम्मद गौरी ने किया। नेक्स्ट देखिए, भारतीय इतिहास में 1192 ईस्वी में कौन सा निर्णायक युद्ध हुआ? भारतीय इतिहास में 1192 का युद्ध है तराइन का द्वितीय युद्ध, और 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, भारत में गौरी का अंतिम अभियान किस ईस्वी में हुआ था? भारत में गौरी का अंतिम अभियान किस ईस्वी में हुआ था? तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का जो संस्थापक है मोहम्मद गौरी था, और इसका अंतिम अभियान रहा 1206 ईस्वी में खोखरो जाति के विरुद्ध। तो इसी खोखरो जाति ने झेलम नदी के किनारे जो है मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी। मोहम्मद गौरी की हत्या किस नदी के किनारे हुई थी? तो झेलम नदी के किनारे मोहम्मद गौरी की हत्या खोखरो जाति के द्वारा की गई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई? पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया, और इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब और किसने की? तो देखिए, मैंने आपको बताया कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी के द्वारा की गई थी, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में की गई। तो 1206 से 1210 का ही शासनकाल रहा कुतुबुद्दीन ऐबक का। दिल्ली पर 1206 के बाद किन मुगल राजवंशों ने दिल्ली पर राज किया, क्रम से बताएं। तो दिल्ली पर सबसे पहले गुलाम वंश आया, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, और लास्ट में आया लोदी वंश। ठीक है, और इसकी समाप्ति होने के बाद ही बाबर यहाँ पर आता है। नेक्स्ट देखें, रणथंभौर के चौहान शासक में सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? रणथंभौर के चौहान शासक में सबसे महत्वपूर्ण शासक था हमीर देव चौहान। हमीर महाकाव्य ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? हमीर महाकाव्य ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो नयन चंदसूरी के द्वारा रचित है। क्वेश्चन 12 है, हमीर रासो ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए चैप्टर 17 आपका 7th क्लास का। तो हमीर रासो ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? जोधराज के द्वारा। ऐसा कौन सा शासक था जिसके पिता के जीवित रहते 1282 ईस्वी में उसे गद्दी पर बैठा दिया गया था? तो जैत्र सिंह का पुत्र था हमीर देव चौहान। पिता के जीवित रहते हुए 1282 में गद्दी पर उसको बिठा दिया गया था। जब हमीर देव गद्दी पर बैठे उस समय दिल्ली सल्तनत में किसका शासन था? इंपॉर्टेंट लाइन है। तो उस समय खिलजी वंश का शासन था। हमीर ने किन शासकों को हराकर राजस्थान में अपना दबदबा स्थापित किया? तो मेवाड़ के समर सिंह, भीमरस के शासक अर्जुन व धार के परमार शासक को पराजित करके और यहाँ राजस्थान में अपना दबदबा स्थापित करते हैं हमीर देव चौहान। कहाँ के हैं? रणथंभौर के। हमीर ने कितने युद्ध किए? तो हमीर ने 17 युद्ध किए, जिसमें 16 युद्ध विजयी किए इन्होंने, और एक युद्ध अलाउद्दीन खिलजी की वजह से ये हारे थे। हमीर देव चौहान ने 17 में से कितने युद्ध जीते? तो 16 युद्ध जीते थे। 1291 में जलालुद्दीन ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया? 1291 में जलालुद्दीन खिलजी जो था उसने झाइन के दुर्ग पर आक्रमण किया था। जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर दोबारा आक्रमण कब किया था? 1292 ईस्वी में किया था। जलालुद्दीन के द्वारा दो आक्रमण होते हैं 1291 और 92 में। जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? तो इसका भतीजा या दामाद कहें अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में की थी।
अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण क्यों करना चाहता था? तो कारण था कि हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन के दुश्मनों मोहम्मद शाह और केहबू को शरण दी थी, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति कौन थे? तो दो सेनापति थे उगलू खां और नुसरत खां। नेक्स्ट देखें, रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था? तो ये लाइन पूछी गई एग्जाम में। तो देखिए, यहाँ पर जो नुसरत खां था वो मारा गया था और उगलू खां जो था वह भाग गया था। ठीक है, याद रखें, पूछा जाएगा एग्जाम में कि रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति भाग गया था? उगलू खां। और मारा कौन सा गया था? नुसरत खां। रणथंभौर विजय के लिए कौन से गद्दार ने अलाउद्दीन खिलजी की सहायता की थी? तो रणमल और रतिपाल। याद रखना है, रा से रणथंभौर है और रा से ही दोनों गद्दारों के नाम है, रणमल और रतिपाल। इनकी वजह से ही अलाउद्दीन खिलजी से हारे थे हमीरदेव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया या अधिकार कब किया? तो 1301 ईस्वी में इन्होंने अधिकार कर लिया था रणथंभौर पर। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के राजपुताने का प्रथम शाखा किसे कहा है? तो रणथंभौर का जो शाखा है 1301 ईस्वी में हुआ, इसे राजस्थान के राजपुताने का प्रथम शाखा कहा कर्नल जेम्स टॉड ने, जो 1301 में हुआ था। रावल रतन सिंह कहाँ के शासक थे? रावल रतन सिंह कहाँ के शासक थे? तो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ के शासक थे और रावल शाखा के अंतिम शासक थे रतन सिंह। चित्तौड़ दुर्ग के पास कौन सी नदियां हैं? चित्तौड़ दुर्ग के पास गंभीरी और बेड़च नदियां बहती हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह के समय चित्तौड़ का घेरा कितने माह तक किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह के समय चित्तौड़ का घेरा 8 माह तक किया था। मेवाड़ के रावल रतन सिंह किन सैनिकों की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी की कैद से बाहर हुए थे? तो यहाँ पर रतन सिंह के दो मुख्य जो सैनिक थे, गोरा और बादल, इनकी वजह से ही अलाउद्दीन खिलजी की कैद से बाहर हुए थे। चित्तौड़ का पहला शाखा कब हुआ और किस किस ने किया? चित्तौड़ का पहला शाखा 1303 ईस्वी में हुआ, रावल रतन सिंह के दो सैनिक गोरा और बादल, और जौहर किया रानी पद्मनी ने। तो केसरिया और जौहर दोनों मिलकर क्या बनते हैं? शाखा। ठीक है, राजपुताने का पहला शाखा जो है कर्नल जेम्स टॉड ने किसे कहा था? रणथंभौर के शाखे को। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार कब हुआ? चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार 1303 ईस्वी में हुआ था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा था? तो इसका नाम बदलकर रखा था खिजराबाद। याद रखें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद रखा था अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर। गुहिल वंश के रावल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो मैंने आपको बताया कि रावल रतन सिंह जो कि अंतिम शासक थे गुहिल वंश के। मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश की नींव किसने रखी? तो गुहिल वंश की जैसे ही समाप्ति होती है तो उसके बाद सिसोदिया वंश, गुहिल का ही नाम परिवर्तित करके सिसोदिया वंश किया, हमीर सिसोदिया ने की। जालौर में कौन से वंश के राजाओं का शासन था? जालौर में कौन से वंश के राजा थे? चौहान वंश थे। ठीक है, जालौर में चौहान वंश थे। कानड़ देव कहाँ के शासक बने? तो जालौर के शासक बने 1305 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन ने सोमनाथ मंदिर को ध्वंस करने तथा गुजरात विजय के लिए विशाल सेना लेकर 1299 में किसे भेजा था? तो इसने उगलू खां और नुसरत खां, जो इसके दो सेनापति थे, इनको भेजा था। गुजरात जाने के बीच कौन सा क्षेत्र पड़ता था? तो गुजरात जाने के बीच में जालौर पड़ता था। अलाउद्दीन की गुजरात जा रही सेना ने जालौर दुर्गमार्ग से होकर गुजरने के लिए किससे अनुमति मांगी थी? तो अलाउद्दीन की जो सेना थी वह दिल्ली से गुजरात जा रही थी, तो इसने रास्ते में पड़ता है जालौर, तो यहाँ पर अनुमति मांगी थी गुजरने के लिए कानड़ देव से। कानड़ देव के पुत्र का क्या नाम था? तो इसके पुत्र का नाम था वीरम देव। जालौर के प्रवेश द्वार पर खिलजी की सेना ने आक्रमण कब किया था? तो जालौर के प्रवेश द्वार पर खिलजी की सेना ने आक्रमण किया था 1308 ईस्वी में। फिर देखें, जालौर के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं शिवाना दुर्ग। रणथंभौर की कुंजी क्या कहलाई? जाइन दुर्ग। जालौर की जो कुंजी है वो क्या है? शिवाना दुर्ग।
किसने कानर देव से विश्वासघात करके खिलजी सेना को गुप्त मार्ग बताया था? तो रणथंभौर में विश्वासघात किसने किया था? रणमल और रतिपाल ने। वहीं जालौर में किया था कानर देव के साथ विश्वासघात दहिया बीका ने। मलकाना में राजपूत सैनिकों ने सुल्तान के किस सेनापति को बंदी बनाया था? तो शम्स खां को बंदी बनाया था। महाराव शेखा किस वंश के शासक थे? महाराव शेखा जो है वो किस वंश के शासक थे? तो कछवाहा वंश के शासक थे। नेक्स्ट देखें, राव शेखा के समय आमेर पर किसका अधिकार था? तो उनके भाई चंद्रसेन का अधिकार था। 1471 के युद्ध में राव शेखा और चंद्रसेन में से कौन विजयी रहा था? तो इन दोनों में से विजयी रहा था राव शेखा। महाराणा कुंभा के शासनकाल की जानकारी कहाँ से मिलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एकलिंग महात्म्य से मिलती है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति से मिलती है और रसिक प्रिया से मिलती है। सारंगपुर का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? सारंगपुर का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? यह युद्ध महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच में 1437 ईस्वी में हुआ था और इस विजय उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण जो है किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। सारंगपुर के युद्ध के बाद कुंभा ने नागौर के किस शासक को हराया था? तो इस युद्ध के बाद शम्स खां को हराया था। कौन से शासक का काल भारतीय कला के इतिहास में स्वर्णिम काल कहलाया? कौन से शासक का काल भारतीय कला के इतिहास में स्वर्णिम काल कहलाया? तो मेवाड़ में राणा कुंभा जो है इनके समय को स्वर्णिम काल कहते हैं भारतीय कला का। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया? तो ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट होता है और बड़ी क्लासेस में तो ये दोबारा से रिपीट होगा। तो 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण मेवाड़ में किसने करवाया था? यह करवाया था महाराणा कुंभा ने। अजय दुर्ग के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग को। एक है अजय मेरु दुर्ग, ठीक है, जो अजमेर में है, और कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है इसको अजय दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। चीन के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार किसे माना जाता है? तो यह जो अजय दुर्ग है इसको माना जाता है, ठीक है। याद रखें, अजय मेरु दुर्ग जिसे तारागढ़ दुर्ग भी बोलते हैं वो अजमेर में है, और ये अजय दुर्ग किसको कह रहे हैं हम? कुंभलगढ़ को। तो इसकी दीवार जो है वो बहुत बड़ी दीवार है और जो कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। बुर्जियों द्वारा किस दुर्ग को सुरक्षित रखा गया है? बुर्जियों द्वारा किसको रखा गया है सुरक्षित? तो कुंभलगढ़ दुर्ग या अजय दुर्ग को रखा गया है। राणा कुंभा का स्वर्गवास कब हुआ था? राणा कुंभा का स्वर्गवास कब हुआ था? तो इनका स्वर्गवास 1468 ईस्वी में हुआ था। निम्न किस क्षेत्र के शासक थे? तो निम्न में यानी यहां पर बताया जा रहा है कि ये शासक जो है कहां कहां से संबंधित हैं। तो कानड़ देव हमने देखे जालौर से, हमीर देव चौहान रणथंभौर से, महाराणा कुंभा मेवाड़ से और पृथ्वीराज चौहान अजमेर से। इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। चैप्टर 18 राजस्थान के राजवंश व मुगल। क्वेश्चन 1 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो यह युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। विजयी कौन रहा? बाबर। तो देखिए, इस तरीके से आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो जाएगी। 1526 में दिल्ली पर किस मुगल शासक ने नींव रखी थी? तो किसने रखी थी? बाबर ने रखी थी। तो वीडियो को बार बार देखिए तभी आपको ये याद होगा। 1527 में मेवाड़ के राणा सांगा और बाबर के बीच में कौन सा युद्ध होता है? तो 1527 में होता है खानवा का निर्णायक युद्ध। नेक्स्ट देखें, बाबर का बेटा कौन था? तो बाबर का बेटा था हिमायू। हिमायू किससे पराजित हुआ था? तो हिमायू शेरशाह सूरी से पराजित हुआ था। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो यह युद्ध हेमू और अकबर के बीच में हुआ था जिसमें अकबर विजयी रहा था। हेमचंद्र दिल्ली की गद्दी पर किस नाम से बैठा था? हेमचंद्र दिल्ली की गद्दी पर विक्रमादित्य के नाम से बैठा था। महाराणा प्रताप का जन्म किस तिथि को हुआ था? तो यहाँ तिथि पूछी है। तो देखिए, 9 मई 1540 को जो है इनका जन्म हुआ था और तिथि थी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, ठीक है।
महाराणा प्रताप का गोगुंदा में राज्यारोहण कब हुआ? तो देखिए, पहला जो इनका राज्यारोहण हुआ गोगुंदा में, उसके बाद कुंभलगढ़ में, तो 28 फरवरी 1572 को 32 वर्ष की आयु में इनके पिता की जो है मृत्यु हुई, और उसी दिन जो है इनका राज्याभिषेक हुआ, राज्यारोहण हुआ। कहाँ? गोगुंदा में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ? दो बार हुआ, पहली बार गोगुंदा में, फिर कुंभलगढ़ में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो याद रखें 18 जून 1556 को हुआ। कहीं आपको 21 जून भी मिल सकता है, दोनों डेट आपको याद रखें, एग्जाम में एक ही डेट आएगी। अकबर ने प्रताप के पास जो शिष्टमंडल भेजे उनके क्या नाम थे? इंपॉर्टेंट है, तो देखिए, जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में हरावल दस्ते में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे? तो हरावल दस्ता यानी जो अग्रिम पंक्ति होती है उसे कहते हैं। तो इसमें हकीम खां सूरी, किशन दास, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, राम शाह तंवर, झाला मान, झाला बीदा और मान सिंह। नेक्स्ट देखें, हल्दी घाटी के युद्ध में चंदावल दस्ते में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे? तो चंदावल दस्ता जो कि पीछे की पंक्ति का होता है, इसमें पुरोहित गोपीनाथ, जयमल चारण और भामा शाह। हरावल दस्ते में चुंडावतों के साथ अग्रिम पंक्ति में कौन सा सैनिक था? तो यहां पर था हकीम खां सूरी। ठीक है। नेक्स्ट देखें, सेना का हरावल दस्ता क्या होता है? तो मैंने आपको बताया अग्रिम पंक्ति होती है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का उत्तरदायी किसने संभाला था? तो यह उत्तरदायी जो है झालामान ने संभाला था। नेक्स्ट देखिए, हल्दी घाटी जो है वो कहाँ है? तो याद रखना है गोगुंदा और खमनोर के बीच में। बनास नदी है वहां पर हल्दी घाटी के पास में। मानसिंह के हाथी का क्या नाम था? तो मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। किसके नेतृत्व में प्रताप के सैनिकों ने गोगुंदा की नाकेबंदी कर दी थी? तो पूंजा के नेतृत्व में प्रताप के जो सैनिक थे इन्होंने गोगुंदा की नाकेबंदी कर दी थी। हल्दी घाटी के युद्ध में पराजय के बाद अकबर ने मानसिंह के साथ और किसकी मुगल दरबार में उपस्थिति पर रोक लगाई थी? तो अकबर की तरफ से जो यहाँ नेतृत्व कर रहे थे मानसिंह और आसफ खां। ठीक है। तो ये पराजित हो गए थे, तो इस वजह से अकबर ने इन दोनों की मुगल दरबार में उपस्थिति पर रोक लगा दी थी। अकबर ने सहबाज खां को प्रताप के विरुद्ध कितनी बार भेजा? अकबर ने पहले शिष्टमंडल भेजा था, मैंने आपको बताया जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। उसके बाद इसने सहबाज खां को भेजा प्रताप के विरुद्ध 3 बार, 1577 में, 78 में और 79 में। प्रताप ने आक्रामक नीति का प्रयोग, जो पहला प्रयोग है वो कहाँ किया? तो दिवेर के युद्ध में किया था, 1582 ईस्वी में। दिवेर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? दिवेर का युद्ध जो है वह सुल्तान खां और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। प्रताप ने अपनी नई राजधानी किसे बनाया था? तो इन्होंने अपनी नई राजधानी चावंड को बनाया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु जो है वो कब हुई थी? इम्पोर्टेंट लाइन है जन्म और मृत्यु। ठीक है। पूछा जा सकता है राजधानी इन्होंने कौन कौन सी बनाई, ये भी पूछा जा सकता है। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु जो है वह हुई थी 19 जनवरी 1597 में चावंड में। मैंने कई बार आपको बताया है सर्दियों में इनकी मृत्यु की डेट है और गर्मी में इनके जन्म की डेट है। महाराणा प्रताप की समाधि कहाँ बनाई गई? महाराणा प्रताप की समाधि बांडोली गांव में बनाई गई। प्रताप ने वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना किस नाम से करवाई थी? तो विश्व बल्लव के नाम से करवाई थी, जो संसार में प्रिय हो, इसका ये अर्थ है। नेक्स्ट देखिए, चावंड चित्रशैली को किसने जन्म दिया था? तो चावंड चित्रशैली को मेवाड़ में जन्म दिया महाराणा प्रताप ने। कौन से शासक को शाहजहां ने उच्च मनसब, राव की पदवी और नागौर का परगना दिया था? तो अमर सिंह को दिया था। ठीक है। राणा प्रताप के जो बेटे थे अमर सिंह, इनको शाहजहां ने उच्च मनसब, राव की पदवी और नागौर का परगना दिया था। किस राजपूत शासक ने पिता के समय मुगल बादशाह की सेवा में आया और धोखे से मुगलों ने उसकी हत्या कर दी? तो वह अमर सिंह राठौर ही थे। नेक्स्ट देखिए, दुर्गादास का जन्म कब कहाँ हुआ? तो इनका जन्म जो है
हुआ 13 अगस्त 1638 में, ठीक है, याद रखिएगा। मारवाड़ के सालवा गांव में जन्म होता है किसका, दुर्गादास राठौड़ का, और 1718 में जो है इनकी मृत्यु होती है। महाराजा जसवंत सिंह का मंत्री कौन था, तो महाराजा जसवंत सिंह का मंत्री था आसकरण, और यही दुर्गादास के पिता थे। किस शासक के प्रयासों से मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ, तो देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो वह दुर्गादास के प्रयासों से हुआ था। दुर्गादास किस शासक को औरंगजेब के चंगुल से बचाकर मारवाड़ लेकर आए थे, तो महाराजा जसवंत सिंह के बेटे थे अजीत सिंह। नेक्स्ट देखें, राठौर व मुगल संघर्ष बढ़ता देखकर दुर्गादास ने अजीत सिंह को आश्रय देने की प्रार्थना किससे की थी, तो यह प्रार्थना इन्होंने मेवाड़ के राज सिंह से की थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखिए अभी कंप्यूटर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके आया था। 36 देखें, किस शासक ने औरंगजेब की विध्वंस नीति का विरोध करते हुए द्वारिकाधीश और श्री राम जी की प्रतिमा का मेवाड़ में स्थापित करवाया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि द्वारिकाधीश की जो प्रतिमा है, प्रतिमा थी, इसका मेवाड़ में स्थापित किसने कराया, तो मेवाड़ के राज सिंह ने कराया। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। दुर्गादास जब मराठों की सहायता लेने दक्षिण में गए, तो कौन सा मुगल शासक उनके साथ गया था, तो शहजादा अकबर गया था। अजीत सिंह कहाँ का शासक बना था, तो अजीत सिंह मारवाड़ के शासक बने थे। तो दुर्गादास के पिता का नाम आजकरण था और महाराजा जसवंत सिंह का वो मंत्री था, ठीक है, और महाराजा जसवंत सिंह के बेटे का नाम अजीत सिंह था। दुर्गादास जीवन के अंतिम वर्ष में कहाँ रहे थे, तो मारवाड़ में इनका जन्म होता है, और अंतिम समय इनका क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन मध्य प्रदेश में बीतता है, यहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था अंतिम प्रश्न इस चैप्टर का, और इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर 19, कला एवं स्थापत्य, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 19 चैप्टर देखिए, क्वेश्चन 1, मध्ययुगीन चित्रशैली जिसे पाल चित्रशैली भी कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है। मध्ययुगीन चित्रशैली जिसे पाल चित्रशैली भी कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है, तो इस चित्रशैली में गरुण की सी आगे निकली हुई नाक, पतली आंखें, छोटी ठुड्डी, ऐठी अंगुलियां, पतली कमर इत्यादि, और लाल नीले पीले रंगों का प्रयोग इसमें होता था मध्ययुगीन चित्रशैली में। इसे क्या कहा गया है, पाल चित्रशैली भी कहते हैं। राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो यह पश्चिमी भारतीय शैली से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। यूनेस्को ने किस किले को वैश्विक विरासत घोषित किया है, यूनेस्को ने किस किले को वैश्विक विरासत घोषित किया है, तो दिल्ली के लाल किले को वैश्विक विरासत घोषित किया है। उत्तर पूर्वी शैली का केंद्र कहाँ बना, उत्तर पूर्वी शैली का केंद्र कहाँ बना, तो बंगाल और बिहार में उत्तर पूर्वी शैली का केंद्र बना। हिंदुस्तान में राज्य सत्ता का द्योतक कौन सा किला माना जाता है, हिंदुस्तान में राज्य सत्ता का द्योतक कौन सा किला माना जाता है, तो वह दिल्ली का लाल किला माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, सल्तनत काल की प्रथम इस्लामिक मस्जिद कौन सी है, तो इस्लामिक मस्जिद सबसे पहली कौन सी है, तो यह है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कौन सी है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है, तो यह जो मस्जिद है वह दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप है, ठीक है। गुलाम वंश जब आया था भारत में, तब जब उसने अपना स्थापन किया यहाँ पर, तो उस समय की सबसे पहली जो मस्जिद है वह है दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। मुगल स्थापत्य के अभूतपूर्व नमूने बताए, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और आगरा में ताजमहल, तो किसके द्वारा, ये किसकी देन है, ये मुगल स्थापत्य की देन है, ठीक है। इसमें मुगल स्थापत्य हमें देखने को मिलती है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है, और ताजमहल कहाँ है, आगरा में। नेक्स्ट देखें, हाड़ा शासक राव बरसिंह द्वारा कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया गया, इंपॉर्टेंट है, राव बरसिंह ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जो कहाँ है, बूंदी में। एक तारागढ़ कहाँ है, अजमेर में, ठीक है, वह अजयपाल ने करवाया, और यह किसने करवाया, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में राव बरसिंह ने। नेक्स्ट देखिए, शिवपिंड पर रखे बेलपत्र की भांति पहाड़ी श्रृंखला में खोया हुआ राजस्थान का कौन सा दुर्ग है,
शिव पिंड पर रखे बेल पत्र की भांति लगता है ये राजस्थान का दुर्ग, रणथंबोर का दुर्ग। नेक्स्ट देखें 11, जालोर दुर्ग का निर्माण किस पहाड़ी पर हुआ है? जालोर दुर्ग का निर्माण जो है सोनगिरी पहाड़ी पर हुआ है, इसको सुवर्णगिरी भी कहते हैं। मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद कहाँ है? मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद जो है जालोर दुर्ग में है, और जालोर की कुंजी कौन सी है? झाइन दुर्ग। चित्रांगद मौर्य ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया? चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। चित्तौड़गढ़ का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ का किला जो है मेसा के पठार पर स्थित है। जहां हमने देखा जालौर का जो दुर्ग है वह किस पहाड़ी पर है, तो वह सोनगिरी पहाड़ी पर है, और चित्तौड़गढ़ का जो किला है वह मेसा के पठार पर स्थित है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा कौन से दुर्ग के कई स्थलों का जीर्णोद्धार करवाया गया? मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था। चित्रांगद मौर्य के द्वारा जो है इसे बनवाया गया था, और इसका जो है जीर्णोद्धार करवाया महाराणा कुंभा ने। कौन से स्मारक को भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहा जाता है? तो वह है विजय स्तंभ। नेक्स्ट देखें, सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटवों की हवेली। तो हवेलियों का शहर हम कहते हैं जैसलमेर को, ठीक है? तो सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में है। क्वेश्चन 18, राजपूताना राज्य में पल्लवी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला शैली नाम किसने दिया? इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी साहित्य चित्रकला जो है वो आपके टॉपिक दिया हुआ है, चाहे आप सेकंड ग्रेड की करें, फर्स्ट ग्रेड की करें, चाहे आप रीट की कर रहे हैं। तो राजपूताना राज्य में पल्लवी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला शैली रामकृष्ण दास ने दिया। नेक्स्ट देखिए, बीकानेर और सिरोही किस चित्र शैली में आते हैं? बीकानेर और सिरोही मेवाड़ चित्र शैली में आते हैं। विजय स्तंभ के वास्तुकार के नाम बताइए। विजय स्तंभ के वास्तुकार के नाम कौन कौन से हैं? किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने बनवाया। वास्तुकार हैं जेता, नापा, पोमा और पूंजा। 21 क्वेश्चन, कौन से ग्रंथों को इतिहासकारों ने राजस्थानी चित्रकला शैली के आरंभिक ग्रंथ माना है? कौन से ग्रंथों के इतिहासकारों ने राजस्थानी चित्रकला शैली के आरंभिक ग्रंथ हैं चोर पंचाशिका और चावंड रागमाला। बनी ठणी किस चित्र शैली में बनी है? ये आया हुआ क्वेश्चन है। बनी ठणी जो है वह किशनगढ़ शैली में बनी है। भारत की मोनालिसा किसे कहा गया है? भारत की मोनालिसा बनी ठनी को ही कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान चित्रकला का स्वर्णिम काल माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल किसे माना जाता है? 17वीं शताब्दी को माना जाता है राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल, ठीक है? यहाँ पर ये युद्ध जो लिखा हुआ है ये गलत है। 17वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल माना जाता है। राजपूताना राज्य में पल्लवी चित्रकला को क्या नाम दिया गया? राजपूताना राज्य में पल्लवी चित्रकला को राजस्थानी चित्र शैली नाम दिया गया। अगला देखें, राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख अंबिका मंदिर किस जिले में है? तो मेवाड़ में है अंबिका मंदिर, और यह उदयपुर जिले में स्थित है। किराड़ू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो किराड़ू का जो मंदिर है वो बाड़मेर में स्थित है। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मंदिरों के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। श्रीनाथ जी का मंदिर जो है वो राजसमंद जिले में स्थित है। अगला देखें, रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? यह मंदिर जो है पाली जिले में स्थित है। शाक्य देवालयों में किसकी प्रतिमाओं की प्रधानता है? शाक्य देवालयों में किसकी प्रतिमाओं की प्रधानता है? तो यहाँ महिषासुर मर्दिनी जो कि उदयपुर और जोधपुर में भी है, तो यहाँ पर शाक्य देवालयों में किसकी प्रतिमाओं की प्रधानता है? महिषासुरमर्दिनी की। और चित्र जो है वो मैंने आपको चैप्टर में दिखाया भी था। प्राचीर क्या है? प्राचीर चार दीवारी को कहा जाता है। किले के जो चारों ओर जो दीवार होती है उसको प्राचीर कहते हैं। देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आबू सिरोही में है देलवाड़ा का जैन मंदिर। बूंदी में कितने खंभों की छतरी बनी हुई है? तो बूंदी में 84 खंभों की छतरी बनी हुई है, ठीक है? याद रखें, बूंदी की 84 खंभों की छतरी जो है वो प्रसिद्ध है। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? गोपाल सिंह की छतरी करौली में स्थित है। नेक्स्ट देखें, जसवंत सिंह थड़ा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का ताजमहल कहते हैं इसको। जसवंत सिंह थड़ा जो है वो कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। फिर देखें, मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो मूसी महारानी की जो कि 80 खंभों की है, यह अलवर जिले में स्थित है।
37 क्वेश्चन है, शेखावटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी किसे माना जाता है? शेखावटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी राम गोपाल की छतरी को माना जाता है। इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। शेखावटी में धनाढ्य सेठों की नगरी कौन सी है? शेखावटी, जिसमें आते हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू, इसमें धनाढ्य सेठों की नगरी है रामगढ़। दुर्गादास की छतरी कौन सी नदी के किनारे बनाई गई? दुर्गादास की छतरी कौन सी नदी के किनारे बनाई गई? तो यह शिप्रा नदी उज्जैन के पास में है, जो मध्य प्रदेश में, यहाँ इनकी छतरी बनी हुई है। अंतिम टाइम में ये उज्जैन चले गए थे। भरतपुर शहर की स्थापना किसने की? भरतपुर शहर की स्थापना सूरजमल ने की, जो कि बदन सिंह के बेटे थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो कब हुई थी? तो यह 1761 ईस्वी में हुई थी, मराठों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। नेक्स्ट देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली के हाथों हार के बाद शेष बची मराठा सैनिकों के खाने पीने की व्यवस्था किसने की थी? तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो यहाँ पर सूरजमल ने जो है खाने पीने की व्यवस्था की थी मराठा सैनिकों के लिए। मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख मंदिर हैं, जगदीश मंदिर उदयपुर में है, सहस्त्रबाहु मंदिर भी उदयपुर में है, अंबिका मंदिर जगत उदयपुर में है, श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद में है, एकलिंगनाथ मंदिर उदयपुर में है और ऋषभ देव मंदिर भी उदयपुर में है। यदि पूछा जाएगा कि इसमें से मेवाड़ का कौन सा मंदिर नहीं है, तब भी आपको याद रखना है। यदि पर्टिकुलर जिले के बारे में पूछा जाएगा, तब भी आप याद रखेंगे जगदीश मंदिर उदयपुर में, सहस्त्रबाहु मंदिर, अंबिका मंदिर, एकलिंगनाथ मंदिर, ऋषभ देव मंदिर, ये सब जयपुर में है, और श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? राजसमंद में। हाड़ौती के प्रमुख मंदिर कौन से हैं? हाड़ौती के मंदिर हैं बाडोली, रावत भाटा और झालरापाटन झालावाड़ में। तो घंटियों का शहर भी कहा जाता है झालरापाटन को, ठीक है। तो बाडोली, रावत भाटा और झालरापाटन झालावाड़, यहाँ पर जो है प्रमुख मंदिर हैं। मारवाड़ क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों के नाम बताइए। मारवाड़ में देखिए कौन कौन से मंदिर हैं, तो देलवाड़ा का जैन मंदिर आबू सिरोही में है, रणकपुर का जैन मंदिर पाली में है, किराड़ू का जो मंदिर है वो बाड़मेर में है, और ओशिया मंदिर कहाँ है? जोधपुर में। शेखावटी के प्रमुख मंदिरों के नाम बताइए, तो यहाँ आभानेरी मंदिर जो दौसा में है, खाटू श्याम मंदिर सीकर में है। तो शेखावटी की ये प्रमुख मंदिर हैं। तो जो चैप्टर में दिए हुए थे वो सभी जो है मैंने यहाँ पर लिए हैं। पूर्व मध्यकाल में शाक्य दीवालों में बनी मूर्तियाँ कौन कौन सी थी? पूर्व मध्यकाल में शाक्य दीवालों में बनी मूर्तियाँ थी, एक तो थी महिषासुर मर्दिनी, जो कि जगत उदयपुर में है, दूसरी जोधपुर में है, और नटराज बाडोली में, और शेषशायी विष्णु की बाडोली में। ये सभी चित्र हमने किताब में देखे थे। चैप्टर 20 भक्ति और सूफी आंदोलन, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस में है। क्वेश्चन 1 देखिए, फटाफट से इसकी रिवीजन भी करेंगे। भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भज शब्द से हुई है। नेक्स्ट देखिए, भक्ति धारा की लोकप्रियता दक्षिण भारत में किस सदी के बीच देखने को मिलती है? भक्ति धारा की लोकप्रियता दक्षिण भारत में 8वीं से 9वीं सदी इस बीच में देखने को मिलती है। घुमक्कड़ी साधुओं में शिव भक्त को किस नाम से जाना जाता था? घुमक्कड़ी साधुओं में शिव भक्त को नैनार के नाम से जानते थे। फोर्थ देखिए, घुमक्कड़ों में विष्णु भक्त को किस नाम से जाना जाता था? तो घुमक्कड़ों में विष्णु भक्त को अलवार के नाम से जाना जाता था। अपार सुवंदरम, सुंदरार, मणिकव सागर, ये कौन से संत हैं? तो ये नैनार संत हैं। नेक्स्ट देखिए, पेरियर अलवार, पेरियर अलवार की बेटी अंडाल, नम्मा अलवार, टोंडर डिपोली अलवार, कौन से संत हैं? नाम से ही पता लग रहा है ये अलवार संत हैं। कौन से संत भक्ति आंदोलन के क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच एक कड़ी या सेतु के समान थे? तो ये थे रामानंद, ठीक है। दक्षिण में भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव होता है और यहाँ से उत्तर भारत लेकर आते हैं रामानंद, तो इसीलिए उत्तर और दक्षिण के बीच में एक सेतु के समान है रामानंद। कौन से संत ने एकेश्वरवाद पर जोर देकर राम की भक्ति पर बल दिया? तो वह थे रामानंद, जिन्होंने एकेश्वरवाद पर जोर देकर राम की भक्ति पर बल दिया। नेक्स्ट देखें, रैदास, पीर धन्ना, पीपा, ये किसके शिष्य थे? तो ये सभी जो है रामानंद के शिष्य थे।
रामानंद ने जो है अपने शिष्य जो है सभी जातियों के बनाए थे। रामानंद ने किस भाषा का प्रयोग किया था? रामानंद ने संस्कृत के स्थान पर जो प्राकृत भाषा है, आम बोलचाल की भाषा जो लोगों को समझ में आ सके, इस भाषा का जो है प्रयोग किया था। भक्त संतों में दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? भक्त संतों में दक्षिण की मीरा जो है अंडाल को कहा जाता है। तो अलवार संत थे अंडाल, तो इनको दक्षिण की मीरा कहा जाता है। थिरुपुवाई की रचना किसने की? थिरुपुवाई की रचना जो है वह अंडाल ने ही की थी। नेक्स्ट देखें, अंडाल का जन्म कौन सी सदी में हुआ था? अंडाल का जन्म जो है वो 8वीं सदी में हुआ था। क्वेश्चन 14, भक्ति परंपरा के अधीन दक्षिण में कौन सी सदी में रामानुज ने विष्णु की पूजा पर जोर दिया? भक्ति परंपरा के अधीन दक्षिण में कौन सी सदी में रामानुज ने विष्णु की पूजा पर जोर दिया? तो 11वीं सदी में। कबीर के उपदेश किस रूप में मिलते हैं? कबीर के उपदेश जो हैं वह हमें साखी और पदों के रूप में मिलते हैं। कबीर के भजनों को किसमें संग्रहित किया गया है? कबीर के भजनों को किसमें संग्रहित किया गया है? तो गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीचक में संग्रहित किया गया है। संत कबीर का पालन पोषण किस परिवार में हुआ था? तो इनका जो पालन पोषण है वो जुलाहे परिवार में बनारस में हुआ था। नेक्स्ट देखें, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म 1669 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, तलवंडी को किस नाम से जाना जाता है और ये कहाँ स्थित है? तो इसे ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है और ये पाकिस्तान में है। सिख पंथ के संस्थापक कौन थे? सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। तो देखिए, हम रिवीजन जो है फटाफट कर रहे हैं। तो यदि आपने जो है पहले वीडियो देखे हैं तो आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से होगी। निर्गुण उपासना के समर्थक कौन थे? गुरु नानक देव जी निर्गुण उपासना के समर्थक थे। कबीर के समकालीन कौन से संत थे? कबीर के समकालीन जो संत थे वो थे रैदास। नेक्स्ट देखें, करतारपुर में रावी नदी के तट पर गुरु नानक जी ने डेरा बसाया, जहां सभी धर्म के लोग इकट्ठा खाना खाते थे, तो उसको कहा गया लंगर। तो आज भी आपने देखे होंगे लंगर, जहां पर सभी लोग एक साथ बैठकर जो है वो खाना खाते हैं। रामानंद के परम शिष्य कौन थे जो कि जाति से चमार थे? तो रामानंद के जो शिष्य थे उनमें जाति से चमार थे रैदास। ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब सम बसे, रविदास रही प्रसन्न। ये कथन जो है वो किसका है? तो यह है रैदास का। नेक्स्ट देखिए, चैतन्य महाप्रभु किस देव के बड़े भक्त थे? चैतन्य महाप्रभु किस देव के बड़े भक्त थे? तो वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो देखिए, ये जो है रिवीजन ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही करवा रही हूँ, क्योंकि वीडियो जो है वो डिलीट हो गया था, जो पहले हमने रिवीजन का कंप्लीट वीडियो डाला था। तो इतनी मेहनत आप लोगों के लिए है, आप भी मेहनत करिए। भगवान विट्ठल को किसका स्वरूप माना जाता है? विष्णु का स्वरूप माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, भगवान विट्ठल स्थानीय देवता के रूप में कहाँ पूजे जाते हैं? तो वो पंडरपुर महाराष्ट्र में पूजे जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु का संबंध कहाँ से था? चैतन्य महाप्रभु का संबंध बंगाल से था। नेक्स्ट देखिए, दास बोध किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? यहाँ पर लिखा है दास बोध, ये जो है स्वामी रामदास के द्वारा रचित ग्रंथ है। 31 क्वेश्चन है, गुरु शिष्य संवाद के रूप में कौन सा ग्रंथ प्रचलित है? गुरु शिष्य संवाद के रूप में दास बोध प्रचलित है। छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास थे, ठीक है। और गुरु रामदास के जो जिन्होंने इन्होंने अपना गुरु हनुमान जी को बनाया था। स्वामी रामदास किसके उपासक थे? तो ये हनुमान जी के उपासक थे, ठीक है, तो इन्हीं को गुरु मानते थे। महाराष्ट्र के प्रमुख संत कौन कौन से थे? महाराष्ट्र के संत थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और गुरु रामदास। याद रखना है, ये सभी संत जो है महाराष्ट्र के थे, ठीक है। पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन, हाल ही में जो है कंप्यूटर का एग्जाम या प्रयोगशाला सहायक का एग्जाम, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा संत जो है वो दक्षिण भारत का नहीं है, ऐसे पूछा था। तो महाराष्ट्र के प्रमुख संत कौन से हैं? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और गुरु रामदास, तो ये दक्षिण में है। नेक्स्ट देखिए, संत चोखा मेला अपना गुरु किसे मानते थे? संत चोखा मेला अपना गुरु संत नामदेव को मानते थे। चोखा मेला के पूरे परिवार ने किससे दीक्षा ली थी? चोखा मेला के पूरे परिवार ने संत नामदेव से दीक्षा ली थी। कहाँ के थे ये? महाराष्ट्र के। चोखा मेला के अभंगों की संख्या कुल कितनी है? चोखा मेला के अभंगों की संख्या कुल कितनी है? तो कितनी है? 300। नेक्स्ट देखिए,
सोयराबाई कौन थी? सोयराबाई चोखा मेला की पत्नी थी। संत चोखा मेला की पत्नी कौन थी? सोयराबाई। हे प्रभु, तेरे दर्शन करने से मेरे हृदय की सब वासनाएं नष्ट हो गईं। ये किसके अभंग का अर्थ है? अभंग का अर्थ होता है भजन। तो हे प्रभु, तेरे दर्शन करने से मेरे हृदय की सब वासनाएं नष्ट हो गईं। तो ये जो अभंग किसका है? सोयराबाई का अभंग है। सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में वे कौन से संत थे जिन्होंने भक्ति काव्य के दौर में सामाजिक गैर बराबरी को समाज के सामने रखा? तो ये संत थे संत चोखा मेला। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? तो भारत के जो वंचित वर्ग हैं, तो इनका पहला कवि किसको कहते हैं? संत चोखा मेला को। सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में पहले संत कौन थे? तो वो संत चोखा मेला ही रहे हैं। अगला देखिए, संत दादू दयाल कौन सी धारा के समर्थक थे? तो संत दादू दयाल निर्गुण धारा के समर्थक थे। ठीक है, गुरु नानक देव, संत दादू दयाल, रामानंद के सभी शिष्य निर्गुण धारा के समर्थक थे। संत दादू दयाल की शिक्षाएं किस रूप में संग्रहित हैं? तो इनकी शिक्षाएं जो हैं दादू दयाल री बाणी और दादू दयाल री दुहा, इस रूप में संग्रहित हैं। दादू दयाल की मृत्यु कहाँ हुई थी? दादू दयाल की मृत्यु जो है नारायणा जयपुर में हुई थी। अगला देखिए, भक्त शिरोमणि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, दादू दयाल की मृत्यु जो है वो नारायणा जयपुर में हुई थी और जन्म जो है गुजरात में हुआ था। भक्त शिरोमणि मीराबाई का जन्म जो है मेड़ता में हुआ था 16वीं सदी में। ठीक है, फिर देखिए, मीराबाई के दादाजी का क्या नाम था? तो दूदा जी जो है इनके दादाजी का नाम था। इनके पति का नाम क्या था? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, भोजराज था। नेक्स्ट देखिए, मीराबाई के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम मेड़ता के रतन सिंह था। तो आपके एग्जाम में छोटे छोटे जो है ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मीराबाई ने श्री कृष्ण की किस मूर्ति के आगे नृत्य करते हुए प्राण त्याग दिए थे? मीराबाई ने श्री कृष्ण की किस मूर्ति के आगे नृत्य करते हुए प्राण त्यागे थे? तो वह श्री कृष्ण की मूर्ति थी रणछोड़दास की। ठीक है, और इसी के आगे जो है नृत्य करते हुए मीरा जो है इनमें समा गई थी, ऐसा कहते हैं। मीराबाई के लगभग कितने पद हैं जो उन्हें अमर भक्ति कवयित्री बना देते हैं? तो इनके 250 से भी अधिक पद हैं। मीराबाई के लगभग जो है 250 से भी अधिक पद हैं जो कि इनको अमर भक्त कवयित्री बना देते हैं। रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की? रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना रामचरण जी ने की थी और इनका वास्तविक नाम जो है रामकिशन था। रामस्नेही संप्रदाय ने किसकी उपासना पर बल दिया था? तो इन्होंने, ये भी निर्गुण धारा के प्रवर्तक रहे, इन्होंने राम की भक्ति पर बल दिया। और राम, राम कौन से राम है ये? जो कि निराकार है। रामस्नेही संप्रदाय के कुल कितने और कौन कौन से केंद्र हैं? तो चार केंद्र हैं, शाहपुरा जो भीलवाड़ा में है, रेण नागौर में है, सिंगतल बीकानेर में है और खेड़ापा जोधपुर में है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और मुझे लगता है ये एग्जाम जो है दोबारा से आपके एग्जाम में आ सकता है। रामस्नेही संप्रदाय के चार केंद्र हैं, शाहपुरा, रेण, सिंगथल और खेड़ापा में। रामस्नेही संप्रदाय के जो चार केंद्र हैं, तो इनकी स्थापना किस किसने की? ठीक है, तो देखिए, शाहपुरा भीलवाड़ा में है संत रामचरण जी ने की, रेण नागौर में संत दरियात जी ने की, सिंगथल में हरिदास ने की और खेड़ापा में संत रामदास ने की। रामचरण जी किस प्रकार की भक्ति में विश्वास करते थे? तो निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे संत रामचरण जी। नेक्स्ट है, सूफीवाद के अनुसार सूफी कौन कहलाए? भक्ति और सूफी में से आपके क्वेश्चन 100% आता है। सूफीवाद के अनुसार सूफी जो है कौन कहलाए? ये कहलाए जो कि सफेद ऊन का कपड़ा पहनते थे, इनको क्या कहा गया? सूफी। कौन सी सदी में हिंदुस्तान सूफी सिलसिले के लिए जाना जाने लगा? तो 11वीं सदी में। कौन से सूफी सिलसिलों में ओलियालों की एक लंबी कतार रही है? तो चिश्ती सिलसिले में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत कब आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत जो है 1192 में आए थे। ठीक है, ये वही समय है, मोहम्मद गौरी का समय, पृथ्वीराज चौहान का समय। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रमुख दरगाह कहाँ स्थित है? तो इनकी जो दरगाह है वह अजमेर में अजमेर शरीफ के नाम से स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को चाहने वाले उन्हें किस नाम से पुकारते थे? तो इनको ख्वाजा साहब या गरीब नवाज के नाम से जानते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को क्या कहते हैं? ख्वाजा साहब या गरीब नवाज।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य का क्या नाम था? तो इनके शिष्य का नाम था शेख हमीउद्दीन नागौरी। तो देखिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही आने वाले हैं, बस घुमा फिरा फिराकर जो है वो आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। नागौर के पास सुबुल गांव में अपना केंद्र बनाकर इस्लाम का प्रचार किसने किया? तो वह शेख हमीउद्दीन नागौरी थे जिन्होंने नागौर को अपना केंद्र बनाया था। चिश्ती सिलसिले का संपूर्ण भारत में विकास किसके संदर्भ में हुआ? चिश्ती सिलसिले का संपूर्ण भारत में विकास जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया के संदर्भ में हुआ। अमीर खुसरो की मजार किस सूफी संत की मजार के पास है? अमीर खुसरो ने अपना जो है बनाया था गुरु निजामुद्दीन औलिया को, और इनके मजार के पास ही जो है इनकी मजार है, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया के मजार के पास में ही अमीर खुसरो की मजार है। नेक्स्ट है, भारत में सूफी मत संप्रदाय के कुल कितने संप्रदाय हैं? तो चार संप्रदाय हैं। अमीर खुसरो की प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, खजाइन उल खुतू, ठीक है। खजाइन उल खुतू किसकी है? अमीर खुसरो की पुस्तक है। उन चारों सूफी संप्रदायों के नाम बताइए जो भारत में प्रचलित हैं। तो वो चार संप्रदाय कौन से हैं? देखिए, चिश्ती संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, सुहारवर्दी और नक्शबंदी, जिसमें चिश्ती संप्रदाय ज्यादा प्रमुख रहा। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट होता है। चैप्टर 21 लोक संस्कृति, क्वेश्चन 1 है, राजस्थान में केला देवी का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह करौली से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है केला देवी का मंदिर। केला देवी किस माता के अवतार के रूप में मानी जाती हैं? तो केला देवी जो है महालक्ष्मी के अवतार के रूप में मानी जाती हैं। केला देवी मंदिर के पीछे कौन सी नदी है? तो इस नदी का नाम काली सिल नदी है, ठीक है। क्या नाम है इसका? काली सिल नदी है केला देवी मंदिर के पीछे। केला देवी के सामने हनुमान मंदिर को स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते हैं? केला देवी के सामने जो हनुमान मंदिर है इसे लोग लांगुरिया के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट देखिए, लांगुरिया किस वाद्य यंत्र की धुनों पर गाए जाते हैं? तो ये जो है अलगुजा वाद्य यंत्र जो है, जो कि फूंक से बजाते हैं, तो इस पर जो है वो गाए जाते हैं। केला देवी कौन से राज परिवार की कुल देवी हैं? तो केला देवी जो है यदुवंशी राज परिवार की कुल देवी हैं। अगला देखिए, केला देवी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? केला देवी की आराधना में जो नृत्य किया जाता है वह है लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य कब किया जाता है? तो यह चैत्र मास के नवरात्रि के समय किया जाता है। तो नवरात्र में लांगुरिया नृत्य किया जाता है चैत्र माह में। जमुआ माता का मंदिर किस बांध के निकट स्थित है? जमुआ माता का मंदिर जो है वह जमुआ रामगढ़ बांध के निकट स्थित है। जमुआ माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जमुआ माता का मंदिर जयपुर में है, लगभग 33 किलोमीटर पूर्व में जमुआ रामगढ़ बांध के पास अरावली की एक पहाड़ी पर स्थित है जमुआ माता का मंदिर। जमुआ माता का पौराणिक नाम क्या है? तो इनका जो प्राचीन नाम है वह है जामवंती। जमुआ माता का पौराणिक नाम क्या है? जामवंती है। और यह किस पहाड़ी पर बना हुआ है मंदिर? तो यह जम्बू सैल या जम्बूगिरी नामक पर्वत पर बना हुआ है। आमेर के कछवाहा वंश की कुल देवी कौन थी? आमेर के कछवाहा वंश की कुल देवी जो है जमुआ माता है। पूछा जाता है क्वेश्चन ये, जमुआ माता का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो देखिए, जयपुर में जो जमुआ माता का मंदिर है इसे कछवाहा शासक दूल्हे राय ने बनवाया था। करणी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? करणी माता जो कि बीकानेर में है, देशनोक बीकानेर में, और चूहों के मंदिर के रूप में ये प्रसिद्ध है। करणी माता के सफेद चूहों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, इन सफेद चूहों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है काबा। तो चैप्टर में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। करणी माता का मेला कब लगता है? तो देखिए, जहां हम माताओं के मेले की बात करें तो चैत्र या आश्विन की जो नवरात्रि होते हैं तभी लगता है। तो करणी माता का मेला भी चैत्र और आश्विन की नवरात्रि को लगता है। जीर्ण माता की प्रमुख शक्तिपीठ है शेखावटी अंचल की। अगला देखिए, जीर्ण माता का प्रसिद्ध शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? जीर्ण माता का प्रसिद्ध शक्तिपीठ जो है वो सीकर जिले से 32 किलोमीटर दूर रहवासा में स्थित है। जीर्ण माता का असली और पूरा नाम क्या था? तो इनका नाम था जयंती माला। क्या नाम था? जयंती माला। जीर्ण माता का उल्लेख भगवत पुराण के कौन से स्कंद में आता है? तो जीर्ण माता का उल्लेख जो है भगवत पुराण में भी आता है, और भगवत पुराण के नवे स्कंद में जो है इनका उल्लेख मिलता है।
अष्टभुजा वाली महिषासुर मर्दिनी के रूप में कौन सी देवी जानी जाती है? अष्टभुजा वाली महिषासुर मर्दिनी के रूप में जानी जाती है जीण माता। जीण माता का संबंध जो है कहाँ से है? तो यह चूरू जिले के धांधू गांव की चौहान राजकन्या से है। कहानी मैंने आपको डिटेल में बता दी थी। जीण माता का संबंध कहाँ से है? चूरू जिले के धांधू गांव की चौहान राजकन्या से है। नेक्स्ट देखें, जीण माता के भाई का क्या नाम था? उन्होंने किस रूप में अवतार लिया? तो जीण के भाई का क्या नाम था? हर्ष था, और इन्होंने भैरव रूप में अवतार लिया था। हर्ष और जीण से संबंधित लोकगीत किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? हर्ष और जीण से संबंधित लोकगीत जो है वो शेखावटी क्षेत्र में प्रचलित है। भावज का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में, भावज का अर्थ होता है भाई की पत्नी यानी भाभी। मातृपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? मातृपुरा सुंदरी का मंदिर जो है वो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। राजस्थान के किस क्षेत्र में त्रिपुरा सुंदरी देवी तीर्थ तरतई माता के रूप में जानी जाती है? राजस्थान के किस क्षेत्र में त्रिपुरा सुंदरी देवी जो है तरतई माता के रूप में जानी जाती है? तो बांसवाड़ा में जानी जाती है। त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर को भव्य स्वरूप देने का कार्य कब प्रारंभ किया गया? त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर को भव्य रूप देने का कार्य 1977 में प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जो मंदिर है वह उमराई गांव के पास बीहड़ में स्थित है। नेक्स्ट देखें, 31, त्रिपुरा सुंदरी की कितनी भुजाओं में दिव्य आयुध है? तो 18 भुजाओं में दिव्य आयुध है। तो 18 भुजाओं वाली है त्रिपुरा सुंदरी। मूर्ति के नीचे पैड़ी पर क्या अंकित है? तो त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है उसमें मूर्ति के नीचे पैड़ी पर श्री चक्र अंकित है। त्रिपुरा देवी की उपासना किस पर की जाती है? तो इनकी उपासना श्री चक्र पर ही की जाती है। शाक्त ग्रंथों में जगत का बीज और परम शिव का दर्पण किसे कहा जाता है? तो माँ माँ जो त्रिपुरा सुंदरी हैं, इनको शाक्त ग्रंथों में जगत का बीज और परम शिव का दर्पण कहा जाता है। क्वेश्चन 35, कौन सा समाज माँ त्रिपुरा की कुल देवी के रूप में उपासना करता है? तो पांचाल समाज जो है वह त्रिपुरा की कुल देवी के रूप में उपासना करता है। 14 चौकलास पंचाल समाज ने स्वर्ण कीर्ति स्तंभ कब बनवाया था? तो 2006 ईस्वी में बनवाया था। तो इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है लोक संस्कृति का ही। तो राजस्थान की लोक संस्कृति में देखिए, अब हम करेंगे नृत्य के बारे में। क्वेश्चन 1 है, होली में मेवाड़ और मारवाड़ में किस नृत्य की धूम मची रहती है? यानी होली में मेवाड़ और मारवाड़ का जो नृत्य है वह है गैर नृत्य। कब किया जाता है? होली पर। ऐसे कौन कौन से नृत्य हैं जो केवल पुरुषों द्वारा ही किए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए, पुरुषों द्वारा गैर, चंग, ढोल, अग्नि, बम रसिया, गंवरी और घीनर नृत्य, ये सभी पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। शेखावटी का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो सभी जितने भी हमने पढ़े हैं नृत्य, तो सब एक एक करके हम इनमें पढ़ेंगे। शेखावटी का लोकप्रिय नृत्य है घीनर नृत्य। अगला देखें, गीदड़ नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? गीदड़ नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है नगाड़ा। कौन से नृत्य में स्वांग निकाले जाते हैं? तो वो नृत्य है गीदड़ नृत्य, जिसमें स्वांग निकाले जाते हैं। चंग नृत्य करते समय कौन से गीत किए जाते हैं? चंग नृत्य करते समय होली और धमाल के गीत किए जाते हैं। 7 है क्वेश्चन, मारवाड़ का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो डांडिया नृत्य, जो कि मारवाड़ का है। अगला देखिए, डांडिया नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपने देखा है ये नृत्य, डांडिया नृत्य में सहनाई बजती है, नगाड़ा बजता है। जालौर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जालौर का नृत्य है ढोल नृत्य, और इस ढोल नृत्य को जो है व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में इसको रखा गया था। जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो यह नृत्य है अग्नि नृत्य। ठीक है, कहाँ का है? बीकानेर का। अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है? तो यह कतरियासर बीकानेर में किया जाता है। तो जसनाथ जी जो कि कहाँ से संबंधित रहे हैं? कतरियासर बीकानेर, और यहाँ का अग्नि नृत्य प्रमुख है। अलवर और भरतपुर का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो वह है बम रसिया। यहाँ बम का अर्थ जो ढोल से होता है और रसिया यानी गीत। तो अलवर और भरतपुर का नृत्य है बम रसिया। बम रसिया नृत्य का नाम बम रसिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि बम नगाड़े के साथ में रसिया गाने से इसका नाम जो है क्या पड़ा? बम रसिया पड़ा। राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है घूमर।
तेरह ताली नृत्य किस जाति का अनोखा नृत्य है? तो तेरह ताली नृत्य तेरह मंजीरे बांधकर किया जाता है कामर जाति के महिलाओं के द्वारा। तेरह ताली नृत्य किस प्रकार किया जाता है? तो हाथ पैरों में मंजीरे बांधकर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। तेरह ताली नृत्य में किस लोक देवता के भजन गाए जाते हैं? तो यहाँ रामदेव जी के जो भजन है गाए जाते हैं। और कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तंदूरा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। उदयपुर संभाग में सर्वाधिक प्रचलित नृत्य है? उदयपुर संभाग में भवाई नृत्य किया जाता है, बहुत ही खतरनाक नृत्य होता है। आपने देखा होगा कि कांच के ऊपर खड़े होकर नृत्य, ठीक है, नुकीली चीजों के ऊपर खड़े होकर करते हैं। कौन सा नृत्य चमत्कारिता के लिए अधिक प्रसिद्ध है? तो वह भवाई नृत्य ही है। मेवाड़ में भीलों द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है? मेवाड़ में भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है गवरी नृत्य। क्वेश्चन 21 है, राई और बुढ़िया किस नृत्य के प्रमुख पात्र हैं? राई और बुढ़िया ये गवरी नृत्य के ही पात्र हैं। गवरी नृत्य कब किया जाता है? तो गवरी नृत्य राखी के दूसरे दिन यानी भाद्रपद की एकम से 40 दिनों तक ये नृत्य किया जाता है। गवरी नृत्य किस देवी की आराधना के लिए किया जाता है? तो यह माँ गौरज्या या माँ पार्वती देवी, इनकी आराधना के लिए किया जाता है। 40 दिन के बाद कौन सी रस्म के बाद गवरी नृत्य को विराम दिया जाता है? तो 40 दिन तक चलता है ये, और गलावण और बलावण रस्म द्वारा जो है इसको विराम दिया जाता है। इम्पोर्टेंट है ये लाइन। राजस्थान में सपेरा जाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? राजस्थान में सपेरा जाति का नृत्य है कालबेलिया नृत्य। कौन से नृत्य को हाल ही में यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया गया है? तो वो कौन सा नृत्य है जिसको यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया गया है? तो वह है कालबेलिया नृत्य। नेक्स्ट देखिए, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल जो है वह उदयपुर में स्थित है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? तो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? जोधपुर में है। पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र शिल्पग्राम कहाँ स्थित है? तो यह भी उदयपुर में स्थित है। चक्री नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? चक्री नृत्य हाड़ौती क्षेत्र की कंजर जाति की युवतियों द्वारा किया जाता है। चक्री नृत्य जो है कहाँ होता है? हाड़ौती क्षेत्र में, और ये कौन करती हैं? कंजर जाति की युवतियों के द्वारा किया जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ? तो यह नृत्य जो है राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। चरी नृत्य का प्रसिद्ध नृत्य है, चरी नृत्य जो है कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह राजस्थान के अजमेर और किशनगढ़ का प्रसिद्ध है, ठीक है। किशनगढ़ का चरी नृत्य जो है बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो ललित कला अकादमी जो है जयपुर में स्थित है। राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर में स्थित है। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो अजमेर किशनगढ़ का है चरी नृत्य, और फलकूबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो नृत्य से संबंधित जो है आपका कंप्लीट हुआ, और इसी लोक संस्कृति चैप्टर का नेक्स्ट जो पार्ट है वह है वाद्य यंत्र से संबंधित। क्वेश्चन 1 है, अवनद वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? तो चमड़े से युक्त वाद्य यंत्र जो होते हैं उनको हम कहते हैं अवनद वाद्य यंत्र। अगला देखें, घन वाद्य यंत्र किसे कहा जाता है? तो जो धातु से निर्मित हैं वाद्य यंत्र उनको घन वाद्य यंत्र कहते हैं। अभी हम देखेंगे कौन कौन से जो हैं घन वाद्य यंत्र हैं। तत् वाद्य यंत्र किसे कहा जाता है? तो तत् यानी तारों से युक्त जो वाद्य यंत्र हैं उनको हम तत् वाद्य यंत्र कहते हैं। सुषिर वाद्य यंत्र किसे कहा जाता है? सुषिर यानी कि जो फूंक से बजने वाले हैं वो वाद्य यंत्र सुषिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अब देखिए एक एक करके हम इनके नाम याद रखने की कोशिश करेंगे। प्रमुख अवनद वाद्य यंत्र के नाम हैं चंग मादल नगाड़ा ढोल ढोलक। चंग मादल नगाड़ा ढोल ढोलक ये अवनद वाद्य यंत्र हैं। प्रमुख घन वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? तो धातु से बने होते हैं मंजीरा खड़ताल ताशा थाली, ये सभी घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आएंगे।
प्रमुख तत्व वाद्य यंत्र जो कि तारों से बंधे होते हैं, सारंगी है, तंदूरा है, जंतर है, रावण हत्ता है, एक तारा है, भपंग है। सारंगी में सर्वाधिक जो है जो तार होते हैं। प्रमुख तत्व वाद्य यंत्र जो है सारंगी, तंदूरा, जंतर, रावण हत्ता, एक तारा और भपंग। ठीक है। तो देव नारायण जी की जो फड़ है जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा गाई जाती है, तंदूरा हमने देखा। रामदेव जी की जो फड़ है तंदूरा वाद्य यंत्र के द्वारा कामर जाति के लोग जो है इसको बजाते हैं। सुसुरे वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? फूंक से बजने वाले हैं ये, अलगोजा, सहनाई, पुंगी, तुरही और बांसुरी। मीराबाई किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती थी? तो आपने देखा होगा मीराबाई का वाद्य यंत्र कई चित्रों में देखा होगा, मूवी में देखा होगा, तो उनके हाथ में होता है इकतारा। इकतारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो यह तत्वाद्य यंत्र में आता है। भपंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? भपंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो यह भी तार से निर्मित है, तो तत्वाद्य यंत्र, तार से बना इसको बजाया जाता है, इसलिए इसे तत्वाद्य यंत्र कहा जाता है भपंग को। और कौन से वाद्य यंत्र अलवर क्षेत्र में मेव लोगों में काफी प्रचलित है? तो वह भपंग वाद्य यंत्र है जो कि मेवाती क्षेत्र में मेव लोग बजाते हैं। मिरासी, लंगा, जोगी, मांगड़ियार आदि कलाकार किसके साथ गाते हैं? मिरासी, लंगा, जोगी, मांगड़ियार कलाकार जो है सारंगी के साथ गाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र सागवान, कैर, रोहिड़ा की लकड़ी से बनाया जाता है? तो ये जो वाद्य यंत्र है वह सारंगी है जो कि सागवान, कैर, रोहिड़ा की लकड़ी से बनता है। सारंगी के तार में और गज में कौन से जानवर के बाल बंधे होते हैं? तो तार जो है बकरे की आंत और गज में घोड़े की पूंछ के बाल बंधे होते हैं। कौन से वाद्य यंत्र सारंगी की तरह होता है? तो सारंगी की तरह जो दिखता है कामयाचा है, सुरिंदा है, चिंकारा है और बाघ है। ठीक है, कामयाचा, सुरिंदा, चिंकारा, बाघ, ये बिल्कुल सारंगी की तरह लगते हैं। कौन से वाद्य यंत्र को चौतारा वाद्य यंत्र भी कहा जाता है? तो इसमें चार तार होते हैं इसलिए इसको चौतारा वाद्य यंत्र कहते हैं, तो यह है तंदूरा वाद्य यंत्र। कौन सी जाति के लोग तंदूरा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो कामड़ जाति के लोग बजाते हैं। मैंने आपको बताया रामदेव जी की फड़ जो है इसी से बजाकर गाई जाती है। तंदूरा वाद्य यंत्र कौन से वाद्य यंत्र से मिलता जुलता दिखाई देता है? तो यह तानपुरे से मिलता दिखाई देता है। कौन सा वाद्य यंत्र गुर्जर भोपों का प्रचलित वाद्य यंत्र है? कई बार हम इसको पढ़ चुके हैं, जंतर वाद्य यंत्र भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो रावण हत्ता भी है एक प्रमुख वाद्य यंत्र जो कि भोपों के द्वारा बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र वायलिन की तरह गज से बजाया जाता है और जिसमें एक सिरे पर कुछ घुंघरू बंधे होते हैं? तो ये याद रखना है कि घुंघरू बंधे होते हैं एक सिरे पर, वह है रावण हत्ता। बांसुरी किस वाद्य यंत्र के समान प्रतीत होती है? तो बांसुरी सभी ने देखी है, यह अलगोजा के समान प्रतीत होती है। तो जब केला देवी के मेले में जब लंगूरिया गीत गाए जाते हैं तो अलगोजा वाद्य यंत्र जो है वो बजता है। एक मांगलिक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो विवाह के अवसर पर जो हमें दिखाई देता है वह है वाद्य यंत्र सहनाई और ये फूंक से बजाया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र के ऊपरी सिरे पर ताड़ के पत्ते की तुंती बनाकर लगाई जाती है? तो ताड़ के पत्ते की तुंती का यूज जो है वो सहनाई वाद्य यंत्र में किया जाता है। कालबेलिया का प्रमुख सुसिर वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सुसिर वाद्य यंत्र है पुंगी। एक विशेष प्रकार का कौन सा वाद्य यंत्र है जो तुम्बे से बना होता है? तो वह पुंगी है जो कि तुम्बे से बनी होती है। लोक नाट्यों में सहनाई के साथ बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सहनाई के साथ हम देखते हैं क्या बजता है, नगाड़ा बजता है। युद्ध के समय रणभेरी के रूप में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो हमने देखा है इसे बोलते क्या है, इसे नगाड़ा। कौन सा वाद्य यंत्र भीलों और गरासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है जिस पर हिरण या बकरे की खाल मढ़ी जाती है? ठीक है, तो कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर हिरण और बकरे की खाल मढ़ी जाती है? वह है मांदल वाद्य यंत्र। कौन बजाते हैं? भील और गरासिया जाति। चंग कब बजाया जाता है? चंग कब बजाया जाता है? तो यह होली के अवसर पर बजाया जाता है। तो यह होली के अवसर पर बजाया जाता है। इस तरीके से आपके सभी चैप्टर कंप्लीट होते हैं और ये बार बार आप रिवाइज करिएगा क्योंकि इसको बोलने में जो है वो काफ़ी टाइम भी लगा है और मेहनत भी लगी है। ठीक है, तो इनको रिवाइज करें। थैंक यू।